क्या जमाना आ गया धनिया लेने आए। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवमंशी जर्नी। और आज है खिचड़ी, आप सबको हैप्पी खिचड़ी। नहा धो करके मैं आ चुकी हूँ और आज मैंने साड़ी वेयर किया। मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी रेडी होने के बाद। तो अभी ये भी नहाने गए हुए हैं, ये नहा करके आ जाते हैं, फिर हम लोग पूजा करके मंदिर जाएंगे। और आज देखते हैं खिचड़ी पे, मेरे मायके से भी पापा आ रहे हैं खिचड़ी का शगुन लेकर के। तो देखते हैं आज क्या होता है खिचड़ी वाले दिन और कैसे हम लोग मेरी ससुराल में पहली खिचड़ी एंजॉय करेंगे। सो मिलते हैं रेडी होने के बाद। गाइस आज खिचड़ी है तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। और ऐसे आपको पता होगा कोई भी हिंदू रिचुअल्स होता है तो उस पर आलता लगाना बहुत मस्ट होता है कोई भी मैरिड लड़की के लिए। तो सुबह सुबह भी मैं अपनी मदर इन लॉ को लगा के आ चुकी हूँ और अब मैं खुद अपने लगा रही हूँ और सुंदर लगता है आलता। सो यहाँ पर मेरी ये फर्स्ट खिचड़ी है जो हम इंजॉय करेंगे और अभी ये मुझे लेकर के मंदिर भी जाएंगे। तो हम मंदिर का भी आपको ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे कि हम मंदिर गए और हमने वहाँ पर कौन से मंदिर गए और क्या किया। तो मंदिर में सभी पूजा करने जाते हैं, हम भी वही करने जाएंगे। शादी के बाद कोई भी छोटा सा ही फेस्टिवल क्यों ना हो बट अच्छा बहुत लगता है। सो आज मैंने सोचा थोड़ा रेडी वेडी हो लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगाना नहीं आता बट जैसा भी आता है मैं लगा लेती हूँ। डन हो चुका है, ये देखिए आलता लगाने के बाद अच्छे सुंदर सुंदर पैर लगने लगते हैं, ये देखिए। सो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और मिलती हूँ रेडी होके बाद, रेडी होने के बाद। वैसे मेरी मदर इन लॉ पूजा करके जा चुकी है, पूजा वही करती है। कोई भी फेस्टिवल पे सिंदूर ये लगाते हैं हमें। सो हैप्पी खिचड़ी विश नहीं किया, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी तहरी, हैप्पी दही, हैप्पी पापड़, हैप्पी अचार, हैप्पी चटनी, हैप्पी देसी घी। ओके तो इतना सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया। सो अभी मैं थोड़ा और रेडी हो जाती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी थोड़ा और रेडी होंगी, एक डेढ़ घंटा गया हमारा। ये है हमारा आज का खिचड़ी का लुक कुछ। और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बहुत थोड़ा सा करती हूँ वो भी जब कुछ फेस्टिवल होता है तब। सो अभी हम जाने वाले हैं मंदिर और हम मंदिर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और हम ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। सुबह सुबह सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है बट मेरा वर्किंग है, मेरा भी ऑफिस स्टार्ट होने वाला है इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। अब ये तैयार होकर निकल रहे हैं मंदिर, अब हम लोग मंदिर चलते हैं। मम्मी बाहर गाड़ी में बैठी हैं, वेट कर रही हैं, तो चलते हैं। ठंड बहुत हो रही है और ये जी भी ये देखिए हमारे ब्लॉग, मम्मी आ रही हैं, इनको ठंड लग रही है। तो मास्टर नहीं साहिबा लगती है। चाचा आओ, हम लोग आ चुके हैं मंदिर और मम्मी मंदिर के अंदर जा रही है। ये गए होंगे उधर प्रसाद लेने के लिए। हम आ चुके हैं मंदिर और अब हम जा रहे हैं
पूजा करने, प्रसाद का वेट कर रहे हैं। प्रसाद आ जाता है फिर हम जाते हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। और अच्छा लगता है सुबह सुबह मंदिर आना और पूजा करना ये सब। आ गए ये प्रसाद लेकर के। अब चलते हैं यहाँ से। ब्रिजवासी बेकरी बहुत लगी है। खिचड़ी तो बाद बनेगी, पहले एक पेटी से एंजॉय की जाए। दर्शन ऑलमोस्ट कर लिए। सैटरडे को ऐसे तेल का दिया रखना चाहिए। हम लोग भी आज छोटे इसका ये रख दो, ये रखो, इनके सामने रखो, यहाँ पे रखो, बता रहे हैं ये जला दो, हाँ जला दो। आज सैटरडे इसलिए घी का दिया जलाया जा रहा है। क्या है इसमें? काला कपड़ा ने पहना है वो सब चढ़ा दो, ये इनके ऊपर से डालो, डाल दे इसमें और वो सब सामान चढ़ा दे इनके ऊपर, ये सब चढ़ा दो। तो गाइस ये कह रहे हैं कि हमारे फेवरेट भगवान है और इनको हम लोग ज़्यादा मानते हैं, हनुमान जी को। आपने देखा होगा हमारा ब्लॉग, जो हमारा ब्लॉग था शिमला वाला, वहाँ भी हम इनके मंदिर गए थे। जो खा क्या नाम था वहाँ मंदिर का, खाटू ऐसे करके कुछ मंदिर का नाम था, वहाँ भी गए थे। गिरने नहीं दे रही अब हम लोग मंदिर से निकलने वाले हैं। और ये देखिए मैं आपको मंदिर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। हमारे घर के पास ही ये मंदिर है और बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है ये। उधर भी है और लोकेशन अच्छी है इस मंदिर की। अच्छा मंदिर है हमारे घर के पास। हम लोग कभी भी कोई पूजा होती है तो हम लोग यहीं करने आते हैं। पूजा हो गई है, बंद बहुत ठंड लग रही है। ठंड बहुत है, गाड़ी में तो ब्लोअर चला लिए, वहाँ तो बैठ लिए, लेकिन यहाँ जमीन इतनी ठंड है पैर एकदम कटे जा रहे हैं। जबरदस्त है।
को। अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं ब्रिजवासी बेकरी, वहाँ से थोड़ा बहुत खाने का ब्रेकफास्ट का सामान लेंगे क्योंकि आज दिन भर में खिचड़ी बनेगी और खिचड़ी इन्हें थोड़ा कम पसंद है, बट फेस्टिवल है तो खिचड़ी बननी ही है आज। और इवनिंग में मेरे पापा भी आने वाले हैं घर, मैं एक्साइटेड हूँ उनसे भी मिलने के लिए। चलिए फिर चलते हैं ब्रिजवासी बेकरी की तरफ। हम आ चुके हैं ब्रिजवासी बेकरी की तरफ और अब हम लोग जा रहे हैं बेकरी में कुछ सामान लेने के लिए, देखते क्या लेते हैं। स्टार्ट हो गए सैनिटाइजेशन करके, मूड बन गया है कि हम लोग बनाएंगे आज पाव भाजी शाम में, तो अभी हम लोगों ने पाव भाजी कर लिया है। लोग आ गए हैं स्टोर में थोड़ा सा शॉपिंग करने, छोटा मोटा सामान का, जैसे पाव भाजी मसाला लिया, मैगी मसाला लिया है और भी दिखते सब। स्टोर आ करके हम लोगों ने लेने आए थे एक चीज़ और लिया है इतनी ज़्यादा चीज़ें। बिलिंग काउंटर पे बिल करा रहे हैं, कौन कौन यहाँ आ करके एक चीज लेने आता है और 10 चीज लेके जाता है। मैं ऐसी हूँ फिलहाल, मम्मी कुछ देख रही है, सोच रही है, उन्होंने भी एक दो चीजें सेलेक्ट कर ली जो हम लोगों ने परचेज की है। उन्होंने सारा सामान ले लिया है, बैठते हैं वापस घर, गाड़ी पार्क होने जा रही है। हमारा ब्रेकफास्ट जो हम ब्रिजवासी बेकरी से लेके आए हैं और अब हम पेटीज खाते हैं। पेटीज माय फेवरेट। गाइस यहाँ पर मेरे पापा आए थे खिचड़ी का शगुन लेकर के और मैं इनसे बात करने में और सामान देखने में इतना मगन हो गई कि मैं वीडियो शूट करने ही भूल गई। तो ये कुछ क्लिप है जो मैंने लास्ट में रिकॉर्ड कर ली थी जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। सो, अब पापा जा रहे हैं वापस तो उन्हें छोड़ने हम लोग बाहर आए हुए हैं। पापा जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं पापा आज आए थे अभी तो क्या क्या लेकर के आए हैं। हमारी पहली खिचड़ी पे हमारे ससुराल में शगुन के तौर पे ये दिया जाता है। तो देखिए ये शख्स है जिसके ससुराल से सब आया है। सो गाइस देखिए यहाँ पर लैया के लड्डू और रामदाने के लड्डू जो होते हैं ये लेकर के आए हैं पापा। चावल आता है, इस दाल की बनती है, ये दाल आती है, नमक आता है और एक ये वाले तिल के छोटे लड्डू आए हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, इसको कहते हैं वो किसकी पट्टी मीठी वाली मूंगफली की, वो आई है। और एक ये गजक आई है, गजक है ना ये, नहीं पट्टी है ये भी, कोई दूसरी पट्टी है गुड़ की शायद, लगाइए इसका कैप। और ये कुछ यूनिक मम्मी ने भेजा है 3-in-1, इसमें देखिए ऐसे करके राम, ये भी कुछ होता होगा मुझे तब पता नहीं है, तिल की पट्टी है और ये है इसकी गरी की और ये इनकी फेवरेट गजक आई है, इनको बहुत पसंद है तो मम्मी ने इसको भी भेज दिया और एक ये भी है। सो, आपके ससुराल से आपके लिए पहली खिचड़ी का नेग आया है, आपको कैसा फील हो रहा है? हमको इतना तगड़ा फील हो रहा है, 4-5 दिन हम खाना नहीं खाए। ओके, सो ये सारा सामान पापा भी लेकर के आए थे, अब पापा चले गए हैं और हम लोग ये सारा सामान के अनबॉक्सिंग कर रहे थे। पापा के जाते ही मेरा ड्रेसअप भी चेंज हो गया, मैं वापस से सूट में आ गई और परी। पापा की परी।
और मैं पापा का परा। सारा सामान पापा लेकर के आए थे। अब हम लोग खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खा पी करके फिर हम लोग शाम में कहीं घूमने जाएंगे। आज इनका इनकी छुट्टी है आज। देखिए सारा सामान जल्दी जल्दी रख रहे हैं। आज हमारे यहाँ दोपहर में खिचड़ी बनी, फिर आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पाव भाजी के लिए, पाव भाजी बनाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए शॉप पे। तो जाते हैं और देखते हैं कि हम और क्या लेकर के आते हैं। और पाव भाजी बनाने के लिए तो स्पेशली सामान लेने ही जा रहे हैं हम लोग वहाँ मार्केट। तो बायस ये स्कूटी चला रही है, अभी हम लोग निकले थे कुछ पाव भाजी, आज इन्हें बनाने का मन है और पापा को खाने का मन था, तो आज ये पाव भाजी बनाएंगे। हम लोग सामान लेने निकले हैं। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब मज़ा भी आ रहा है और सजा भी मिल रही है। देखिए मैडम की स्कूटी आ गई तो बहुत खुश है, कहीं लड़ा मत दे रहा यार। अभी हम आए हुए हैं वेजिटेबल शॉप पे वेजिटेबल्स परचेज करने, क्योंकि आज बनने जा रहा है पाव भाजी। और हम आए हुए आलमबाग, इंस्टेंट प्लान बना तो हम लोगों को इंस्टेंट ही उसके इंग्रेडिएंट्स लेने आना पड़ गया। क्या जमाना आ गया धनिया लेने आए। और देखिए चुकंदर लेके जा रही है, देखिए क्या जमाना आ गया, सब्जी लेके शॉपिंग कर रही है। चिली पनीर हो गया तो मैं मन लगा के बनाती हूँ। अभी कह रहे खिचड़ी बना, तहरी बनाओ, उतना बनाएंगे। देखिए एकदम तहरी अरे हम नहीं बना पाते कह रही। जल्दी तो यार सीख गई हम। अब देखिए तड़पा रहे हैं, कहीं अभी नहीं मिलेगा, सब बन जाएगा होगा सब देंगे। पाव भाजी तैयार है, अभी पापा को देने जा रहे हैं। सैलेड पाव भाजी एंड भाजी। बॉम्बे में चीज होगी तीन दो प्याज, फिर से कई प्याज खा रहे हैं। नहीं नहीं प्याज आप मत खाओ, ऐसी है अच्छी है। इसमें इसमें वो है रजनीगंधा है, श्याम बहार है, वो पुकार है। बोल ले रही यार। हेलो तैया। पाव भाजी इसको देने के बाद लास्ट में अब हम लोग खाने जा रहे हैं पाव भाजी। और इसी पाव भाजी के साथ अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से फिर नेक्स्ट डे।
सो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने मेरी ससुराल में जो पहली खिचड़ी थी वो मैंने बहुत अच्छे से बनाई यहाँ पे। और अब हम यही व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।